मिथुन राशि वाले जातकों के साथ दोस्ती करने से पहले जान लो ये 5 बातें, नहीं तो हाथ लगेगा सिर्फ धोखा। मिथुन राशि का कड़वा सच। आज मैं आपको मिथुन राशि वाले व्यक्तियों से जुड़ी ऐसी 5 बातों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्हें यदि आपने जान लिया तो समझ लीजिए आपने मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के स्वभाव, विचार और स्वभाव के ऊपर PhD कर ली। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह पहली स्थिति जिसे आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मिथुन राशि के स्वामी बुध देव होते हैं, जो कि बुद्धि के कारक हैं। ऐसे में मिथुन राशि के जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और ऐसे में आप चाहते हैं कि दोस्ती में खटास ना पड़े, तो मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि वाले जातकों के साथ कभी भी मूर्खतापूर्ण व्यवहार ना करें। जी हाँ, मिथुन राशि वाले जातक स्वयं बहुत ही हंसी मजाक करने वाले, नए नए मित्र बनाने वाले होते हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। यह मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्तियों से ये पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे में यदि आपके कोई मित्र मिथुन राशि का है और आप चाहते हैं कि उनसे लंबे समय तक व्यवहार बना रहे, तो आपको चाहिए कि इनसे व्यवहार बनाने के लिए आप एक सीमा निर्धारित करें। जीवन में कभी नहीं देखने को मिलेगा धोखा। बात करें यदि दूसरी स्थिति की, कि दोस्त मित्रों के अंदर बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक चलता है और साथ ही मिथुन राशि के जातक स्वयं भी बहुत ही हंसी मजाक करने वाले होते हैं, किंतु आप निरंतर इनसे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, तो हंसी मजाक चाहे जितना भी करें तो गलती से भी इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास ना करें। जी हाँ, मिथुन राशि के जातक अपने जीवन में किसी भी स्थिति को बर्दाश्त कर पाते हैं, किंतु यदि कोई इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, ये इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं होता और परिणाम स्वरूप इनका कितना ही घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, ये उस व्यक्ति से पल्ला झाड़ लेते हैं। और यदि कई बार ऐसी स्थितियां भी हो कि पल्ला ना भी झाड़ पाए, तो उस व्यक्ति से अपनी दोस्ती की सीमा तय कर देते हैं और धीरे धीरे वह रिश्ता कमजोरी की तरफ बढ़ता जाता है और सामने वाले को लगता है कि मिथुन राशि के जातक हमें धोखा दे रहे हैं, जबकि ये मिथुन राशि वाले जातक नहीं, आप स्वयं अपने हाथों से करवाते हैं। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातकों के साथ मजाक कैसा भी करें, किंतु आत्मसम्मान से संबंधित किसी भी प्रकार का मजाक ना करें। बात करें यदि मिथुन राशि वाले जातकों की तीसरी स्थिति की, तो इन्हें टाइम और जुबान के पक्के लोग बहुत ही पसंद होते हैं। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के साथ हमारी दोस्ती निरंतर बनी रहे, तो टाइम का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो चलता है, किंतु जुबान के पक्के सदैव बने रहें। जी हाँ, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, अगर आप मिथुन राशि वाले जातकों के साथ जुबान के कच्चे होकर व्यवहार साधना चाहते हैं, तो यह लोग ऐसे रिश्तों को बहुत लंबे समय तक नहीं चलाते और परिणाम स्वरूप यह उस व्यक्ति से धीरे धीरे कर दूर हो जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि मिथुन राशि वाले जातक से हमें मिल रहा है धोखा। बात करें यदि एक और स्थिति की, तो बुद्धि तत्व होने के कारण इनके अंदर बुद्धि की मात्रा परिपूर्णता से पाई जाती है और ये बात आप सभी लोग जानते होंगे कि बुद्ध देव वाणी के कारक हैं। ऐसे में इनका वाणी और स्वभाव बहुत ही नर्म होता है और अक्सर लोग इनके सौम्य स्वभाव और वाणी की मधुरता को देखकर इनको कोमल समझ बैठते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आपको मिथुन राशि के जातकों के साथ लंबे समय से दोस्ती रखनी है और समझने लगते हैं आपको कमजोर, तो इनको कमजोर समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जी हाँ, इस संसार के अंदर दो प्रकार के लोग होते हैं, एक शक्ति से अपनी रक्षा करते हैं और एक बुद्धि से, और ये दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं। शक्ति से रक्षा करने वाले व्यक्ति के ऊपर फिर भी आप प्रहार कर सकते हैं, किंतु बुद्धि से प्रहार करने वाले व्यक्ति को एकाएक कोई नहीं समझ पाता। ऐसे में यदि आप इनको कमजोर समझने की गलती करते हैं, तो ये आपसे पल्ला तो झाड़ ही लेते हैं, किंतु यदि आपने इनको कमजोर समझकर इनके साथ कोई गलत व्यवहार कर दिया, तो ये लोग अपने बुद्धि के दम पर सामने वाले व्यक्ति की ऐसी स्थिति कर देते हैं कि वो पनाह मांग ले। इसलिए गलती से भी इनको कमजोर ना समझें। बुद्धिमता के रूप में मिथुन राशि वाले जातकों को तड़के के रूप में संज्ञा दी गई है। और अंतिम स्थिति में मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि वाले जातक मौज मस्ती करने वाले, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना इनको बहुत ही पसंद होता है। सभी लोगों से बातचीत करना, हंसी मजाक करना, नए मित्र बनाना इन्हें बहुत ही पसंद होता है और अपने इसी स्वभाव के चलते ये लोगों से हंसी मजाक करते रहते हैं। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के साथ सदैव आपका व्यवहार बना रहे, तो इनके द्वारा की गई हंसी मजाक का कभी भी बुरा ना माने। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि ये हंसी मजाक को सिर्फ हंसी मजाक तक ही रखते हैं। दिल से किसी का भी बुरा चाहना या बुरा सोचना इनके मन में आता भी नहीं है। इवन इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये अपने शत्रु का भी बुरा नहीं सोच पाते। तो दोस्तों, ये हैं वे 5 बातें जिन्हें आपको मिथुन राशि वाले जातकों के साथ दोस्ती करने से पहले जान लेना चाहिए। और मिथुन राशि वाले जातकों का यही स्वभाव यदि आप जान लें, तो जीवन पर्यंत नहीं टूटती मिथुन राशि वाले जातकों के साथ दोस्ती। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।